अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाईजान, की हाल चाल? ठीक ठाक, अल्लाह का करम। क्या करते हो? मैं जी मिस्त्रियों का काम करना, मजदूरी, मेहनत मजदूरी करते हैं। तो मजदूरी करते हैं, तो कैसे हालात चल रहे हैं? बस हालात इंजी ने कि गरीब आदमी नु जिंदा कोई दाल लगदा वो गरीब नु होर मारी जांदा। मैं एक काम लिया सी इकबाल टाउन फ्लैटा च। अच्छा। ते वो एक बीबी सी सहमा नाम दसो उसका, उन्दे घर भी काम किया शमा कानूनी वाले फ्लैटा च। उत्थे उन्हें मेरा को 30,000 रुपया उत्थे देना, उत्थों हटाया तो फिर इत्थे ले आंदा भी आ काम शुरू कर 3 मरले का। वो डबल डबल स्टोरी का 7.5 लाख रुपया मेरे ना तय हुई सी, 32 सेंटरी बेच तय हुई सी। वो 32 सेंटरी मैं कराती, उन्हें बेच सीलिंग भी 100 रुपया फुट मैंने पाती। उत्थे तीसरी मंजिल पूरी बनवा ली है, डबल स्टोरी की गल करा के तीसरी मंजिल बनवा ली। अच्छा। इस हिसाब न 11.5 लाख रुपया मेरी मजदूरी बनती है, उन्दे विचों उन्हें मेरे लिए कोई तकरीबन 7 लाख रुपया आया या 7.25। बाकी वो पैसों तो खा गई उन्दे जाके घर हाथ बन्ने ने, उन्दे पैर ही हाथ लाया, मिन्नतां कीतियां। उन्दी बहन इत्थे फ्लैटां दे विच रहिंदी है, चंदा उन्दे ना उसके भी जाके मैं पैर ही हाथ लाया, मिन्नतां कीतियां। मिस्त्री मजदूर मेरे नाल ने भी मेरे पैसे अल्लाह के नाँ ते लै दिओ, मेरे गरीब मैं बच्चा, मेरे बच्चे छोटे छोटे बच्चे ने, मैं किराया दे मकान 6-7 महीने का किराया चढ़िया। मैं अज किनू जाके वो किराया कि जाके कमा मंगा देव, मैं किराया देव, मकान का किराया देना। मैं 1 लाख रुपया मेरे गरीब आदमी से कमेटी निकली, मैं भी मजदूरों ने देता, कहती मैं असी खानदानी लोग है चाचा, असी गरीब का हक नहीं रखते। मैं इसलिए उन्हें इतबार करी गया एंड से आके उन्हें मैंने जवाब देता पैसों के। अच्छा, उसने आपको पैसों से जवाब दे दिया? तो जो मजदूर आपने ताला लगाया सी उसकी वीडियो मेरे को मौजूद है, उन्हें 10 दिन बाद मैं उन्होंने कहा बेटा मेरा पैसे दे दे ते अपना, मैं तेन ताला चाबियां दे देना। मैं चाबियां की करनी है, मकान तेरा है। उसने वो ताला तोड़ के ते अपना ताला ला लिया, उन्हें मेरी गाली को नहीं सुनी, पैसे नहीं दिए। अच्छा, जो मजदूर आपने उनके घर में लगाए हुए थे आपको लगाया हुआ था जी, तो किस तरह भाई फिर ये आपको जो पैसे, मतलब जो मजदूरी है वो भाई आपको देते रहे? नहीं, अभी तक रहते हैं, मेरा 25,000 रुपया रहता है। आपका 25,000 रहते हैं और इनका तकरीबन 3 लाख। आप भी दे इसमें, आपके भी पैसे दे? हाँ जी, मेरे अंदर भी 30,000 है। तो जाहिरी बात है 3-3.5 लाख रुपए का आपने काम किया है, आपको उसकी इनकम नहीं मिली, तो जो मजदूर इनके अलावा आपने लगाए हुए थे वो तो आपका घर घर में आते होंगे, पैसे मांगते होंगे? पैसे सारे मंगते हैं, फटे वाले का 54,000 रुपया देना है, फटे आविया शबाब चौंक दे। अच्छा, वो मेरे को ना तो मेरे को लैने ना, रगड़ाई वाला बंदा लाया मौलवी बंदा, उसका 42,000 रुपया देना। वो तो जीना आराम कर देते होंगे? मेरे यही हालात रोजाना मेरा आके दरवाजे, क्या मैं कितों उन्होंने लिया के मैं अपने बच्चे बेच देव, की करा, मेरी किधर सुनाई नहीं होंगी। बराए मेहरबानी मेरी हलफ की जाए। खुदारा भाई की बात सुने, आपके 2 मंजिल की इनके बात हुई थी 7 लाख रुपए में, 7.5 लाख रुपए में, और उन्होंने 3 मंजिल इनसे काम करवाया और काम किया। हल्दी वाले आके बंद कराते सी, इन्होंने सेल आके मेरे को रात को काम करवाया, मिस्त्रियों मजदूरों डबल डबल पैसे दिवाए ने कि तू काम कर चाचा फटाफट। और मजदूरों को भी पैसे इनके पास से दिलवाया कि आपको पैसे इकट्ठे मिलेंगे? जब इन्होंने काम मुकम्मल किया है, मुकम्मल काम करने के बाद इनके तकरीबन 3-3.5 लाख रुपए रोक लिए जाते हैं, और जिनसे इन्होंने माल लिया, जिनसे मजदूर लगाए, वो इनके दिन रात इनके घर आते हैं और इनके साथ जो भी बदसलूकी बदतमीजी जो भी करते हैं, तो क्या कहना चाहोगे आवाम को, क्या कहना चाहोगे? मेहरबानी है कि कोई मेरे से हलफ करे मेरे नाल, मैं बहुत तंग होया पाया, मैनू दिन रात उन्हें जीना हराम किया मिस्त्रियों मजदूरों ने, फटिया वाले का 54,000 किराया देना, वो भी मैं पहले कहता रहा बेटा स्टाम करवा लो, नहीं नहीं असी खानदानी लोग हैं, असी इतबार, असी किसी गरीब का हक नहीं खाने वाले, तो मैं तो इतबार करी गया। मुसलमान नू कुराने पाक दे या कसम दे इतबार करना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल करना चाहिए। मैं मुसलमान हाँ, मैं इतबार करी गया, वो मैंने यही गल खानदानी, कल नू तू बच्चियां ब्याएगा, तेनू जरूरत पवेगी चाचा, मैं तेरे नाल इमदाद करांगी। मतलब आपको आपको सबज बाग दिखाया उन्होंने? सबज बाग दिखा के मैं 1 लाख रुपया कमेटी पाई, मैं गवाह में जितों कमेटी निकली वो भी दिखा देंगा, वो कमेटी के पैसे मैं उधर देते ने, उन्हें मेरिया बेटियां का की सोचना, जो मेरा बेटियां का कुछ जोड़िया सी वो भी लै गई। कितने बच्चे? कितने हैं? 6 बच्चे हैं। तो फिर अब किस तरह गुजारा हो रहा है, मतलब जाहिर है सर पे इतना ज्यादा बोझ है आपके, कर्ज है, तो किस तरह फिर गुजारा कर? इस तरह ही बेटा गुजारा, मैं किस तरह करना है, की कर सकना,
जिधर भी जाना गुजारा उन्होंने जेड़ा जाता उन्होंने कहना मैं देना मैं देना। एक मोबाइल किश्तों से लै गए एक बंद 5,000 था किसी 10,000 फिर मोबाइल किश्तों से लिया। इस तरह नहीं जो आपके घर लोग आते हैं आपसे पैसे मांगने वो बदतमीजी भी करते हैं मल्लेदारों में भी आपका जाहिरी बात है मल्लेदारों में भी नाम खराब होता है सारा कुछ। मैं आज तक जिंदगी चाहो जा कोई बंदा नहीं वेख्या किसी गरीब का आके खाना मैं काम मेरा गलत होया वे आके कोई देख सकता कि मेरा काम गलत है मेरे पैसे डकन का फिर वो हकदार है। जाहिरी बात है बड़े बड़े बच्चे होंगे उनको भी बाहर लोग बातें करते होंगे कि आपके घर जो आते हैं लोग आके आपके पापा के साथ बदतमीजी करते हैं ये करते हैं तो शर्मिंदगी भी होती है। कोई मिस्त्री आता किसी से मैं दाढ़ी हाथ लाना किसी के पैर ही हाथ लाना किसी को कुछ करना किसी को कुछ करना इंज मैं गुजारा कर रहा उत्तों 15,000 रुपये बिल 32 दे आ रहे ने महीने दे की करा मैं किराए वाला मालक मकान मैंने वो तंग किया उन्हें जीना आराम जहरी गल अगले ने किराया लेना उन्हें कहा सी तो नहीं तेन क्या तू ठेका लै जाके खुदा राम भाई की आपने बात सुनी यकीन करें सब इंसान है यार किसी ने कब्र में पैसा साथ लेके नहीं जाना और किसी का एक रुपया भी आपने देना है ना तो कब्र में आपको उसका मैं बताता हूँ कि इतना को अजाब है ना कि आप सोच नहीं सकते ठीक है। और भाई मजदूर दिन रात जो उसके घर में लोग आगे बदतमीजी यार उसके भी बच्चे हैं उनको भी शर्मिंदगी होती होगी अपने जवान औलाद के सामने वो किस तरह लोगों की दाढ़ियों को हाथ लगा रहे हैं और लोगों की मिन्नतें कर रहे हैं 3-4 लाख तो एक अमीर खानदान का सिर्फ मैं बताता हूँ कि 5 से 10 दिन का खर्चा है ज़्यादा से ज़्यादा और इनका क्या इनका यकीन करें पूरी बता रहे हैं कि अपनी बच्चियों के लिए इन्होंने जहेज के लिए 1,00,000 रुपये कमेटी जोड़ी हुई थी ठीक है तो वो भी उतार के जो मजदूर जो अपनी सिर्फ इज्जत की खातर अपने बच्चों की अपनी इज्जत की खातर वो भी मजदूरों को दे दिए ताकि मेरी इज्जत पे कोई उंगली ना उठाए और लोगों से किस्तों पे मोबाइल उठा के मजदूरों के जो है वो पैसे दे रहे हैं। तो खुदारा जिस औरत ने भी ये काम किया ना अगर मेरी ये वीडियो देख रही है तो खुदारा इसका अगर हक के पैसे है ना भाई के तो इसको लाजमी वापस करें बहुत बहुत परेशान है बहुत। श्यामा ना जी श्यामा साइमा साइमा आप अगर हमारी वीडियो देख रही है अगर इस भाई के हक के पैसे हैं ना तो खुदारा इसको लुटाएं बहुत परेशान है ये। बहुत शुक्रिया भाईजन इंशाल्लाह ताला अल्लाह ज़रूर आपकी मदद करे।